रिकॉर्डिंग स्टार्ट। ओके, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आज के हमारे टॉपिक है शिक्षा अष्टकम। ये शिक्षा अष्टकम 8 शिक्षाएं हैं जो चैतन्य महाप्रभु ने अपनी पूरी लाइफ में, कोई किताब नहीं लिखी, कुछ नहीं, बस ये 8 शिक्षा दी है, जो जिसमें पूरा की गौड़िया संप्रदाय का जो भी हमारी शिक्षा है, सब कुछ इस 8 जो शिक्षा अष्टकम में इसमें समाया हुआ है। तो हम ये बहुत इम्पोर्टेंट है एक्चुअली, जो चैतन्य चरितमृत लिखा गया है तो उसमें भी बहुत सारे वॉल्यूम्स हैं, 9 वॉल्यूम्स हैं। उन 9 वॉल्यूम्स में जो सबसे लास्ट 3 भाग आते हैं, एक होता है आदि लीला, जिसमें चैतन्य महाप्रभु के फर्स्ट 25 ईयर्स के स्टोरी है। फिर मध्य लीला, जो उन्होंने मध्य में जो उनके लाइफ में गया बीता है वो, और जिसमें उन्होंने बहुत ज्यादा प्रीचिंग की है। और लास्ट में अंत लीला आता है, जिसमें 2 कैंटोज आते हैं। तो इस अंत लीला में का जो लास्ट चैप्टर है, चैतन्य चरितमृत में का जो लास्ट चैप्टर है, अंत लीला का चैप्टर 20, वो है शिक्षा अष्टकम। एंड मैं इसको सबसे पहले ले रही हूँ, बिकॉज ये शिक्षा इतनी इम्पोर्टेंट है, इसको जितने जल्दी हम जानेंगे समझेंगे, उतना हमारे लिए आगे की भक्ति मार्ग में आसानी होगी। और बाद में हम इसके बाद आगे हम श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा को और उनकी जो जीवन लीला है, उनका जो लीला किए हैं, वो सब हम आगे में पढ़ेंगे। इसलिए हम इसको सबसे पहले जान लेते हैं, ये हमारे लिए आगे में बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसलिए तो इस शिक्षा अष्टकम का बेस ये है कि हमें लाइफ में सबसे अल्टीमेट हमारा गोल क्या है, वो है श्री कृष्ण का प्रेम पाना। और उसको वो कैसे हम पाएंगे, उसको ही बताने के लिए ये 8 शिक्षाएं हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस कलयुग में हम सब बहुत परेशान हैं, इवन जो जो शादी करते हैं वो भी परेशान, जो नहीं, जिनकी नहीं हो पाती वो भी परेशान। शादीशुदा लोग अपने हस्बैंड से ही परेशान हो जाते हैं। मतलब लाइफ कैसा है, पूरा दावागनी जैसा है। मतलब आग जैसे फॉरेस्ट फायर होता है, तो हमारा जीवन बिल्कुल वैसा ही है। और कृष्ण भी ये बात भगवद गीता में बोल चुके हैं कि ये संसार जो है वो क्या है, दुखालयम है, दुखों का घर है। तो यहाँ हम 1000 कोशिश भी कर लें तो कभी भी सुखी नहीं हो सकते। जैसे कि हमारे हैप्पीनेस वाले क्लास में हमने देखा सुना था कि इस संसार में कोई हैप्पीनेस है ही नहीं। हम जो भी कोशिश करते हैं जिससे कि हमें सुख प्राप्त हो, उसका अंत क्या होता है, मतलब सुख आता है, उसके साथ साथ उसके साथ दुख भी आ जाता है। ऐसे कभी मोमेंट नहीं होता कि हम सुकून से, शांति से उस चीज को एंजॉय कर सकते, ऐसा कभी नहीं होता। इस संसार का ये नियम है कि यहाँ पे दुख आएगा ही आएगा। तो ऐसे समय में, इस संसार में हम लोगों को कैसे रहना है वो बताता है शिक्षा अष्टकम। इस कलयुग में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जैसे हम लोग बार बार इस बात को हम अपने माइंड पर इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, बार बार इसको इसलिए बोलते हैं ताकि ये बात हमारे हृदय तक अच्छे से पहुंच जाए कि इस कलयुग में हम कुछ भी कर ले वो उतना फल नहीं करेगा, जब तक कि हम संकीर्तन यज्ञ ना करें। यानी हम जब साथ मिलकर भक्ति करते हैं, साथ मिलके जब हम हरि का नाम लेते हैं, तो वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है इस कलयुग में। हम अकेले भी रहेंगे तो अकेले हम भक्ति करते हैं, अकेले भी हमें भक्ति करनी ही है, लेकिन हमें ऐसे माइंडसेट नहीं बनाना है कि हमें अकेले ही रहना है, हमें अकेले ही सिर्फ अपने भक्ति करनी है, तो वो नहीं हो पाएगा। इस कलयुग में ये इम्पॉसिबल है कि हम अकेले अकेले भक्ति करने की 1000 कोशिश भी कर ले तो हमारा मन 10 दिशा में भक्ति का, इवन वाइल वी आर चैंटिंग, जप माला पे जब हम जप कर रहे होते हैं, हमारा मन इतनी जगह जा चुका होता है, इतनी 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 चीजें हमारे मन में आनी शुरू हो जाती है। हम पता नहीं क्या 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 चलने लगता है, हम सोचते भी नहीं है, वो सब कुछ अपने आप हमारे दिमाग में चलने लगता है। तो इसलिए हमें अकेले जप तो करना है, हमारा जो 16 माला का नियम है उसे तो हमें करना ही है बैठ के, लेकिन
लेकिन उसके साथ हमें संकीर्तन भी करना है, हमें भक्ति हमेशा हमें संग में करनी है, एसोसिएशन में करना है, शुद्ध भक्तों के संग करना है। तो जितना हो सके हमें एसोसिएट करना है, अच्छे भक्तों का संग करना है। तो ये नाम संकीर्तन ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। नाम संकीर्तन है ते सर्व अनर्थ नाश, सर्व शुभोदय कृष्ण प्रेम उल्लास। सिंपली बाय चैंटिंग, यानी सिर्फ हमें भगवान का हरि का नाम लेने मात्र से ही हमारे अंदर जितनी भी बुरी आदतें हैं वो सब हमारा साथ, हमारे हमको जो जकड़ कर बैठी है, हमारे जो अनर्थ हैं जिसके बारे में हमने उपदेशामृत में पढ़ा था, जिसके बारे में हमने मना शिक्षा में पढ़ा, तो ये सारे अनर्थ बस हमारे नाम जप करने से, नाम संकीर्तन से ही चले जाएंगे। और हमारे जीवन में जो हमारा गुड फॉर्च्यून है वो जाग जाएगा, और हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम भी जाग जाएगा। एक्चुअली में वो प्रेम हमारे हृदय में है, लेकिन उस पर धूल मिट्टी सब जम गई है। जो हमारे अनर्थ है ये धूल मिट्टी के समान है, जो जिन्होंने जो पूरा जम गया है, जिसके कारण हम अभी महसूस ही नहीं कर पाते हैं कृष्ण के प्रति, हमारे रिश्ते को भी नहीं महसूस कर पाते हैं। यही हमारा संबंध ज्ञान है कि हमारा कृष्ण के साथ रिश्ता क्या है। तो उसे ही अवेकिन करने की हम कोशिश करते हैं। हम जब भागवतम की क्लास लेते हैं, चैतन्य चरितमृत पढ़ते हैं, तो ये सब क्यों करते हैं हम? भले ही हमारे अंदर अभी हमको कोई रियलाइजेशन नहीं हुआ है कि हमारे कृष्ण के साथ क्या रिश्ता है, बट जब हम इसको बार बार सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, तो वो जो परत जमी है मैल की, जो हमारे अनर्थ है, वो धीरे धीरे उसको वो हटते जाएगा, साफ होता जाएगा। एंड देन वी विल रियलाइज के हमारा कृष्ण के साथ क्या संबंध है। भले हम हजार बार ये बोल लें कि हाँ हम कृष्ण के दास है, बट स्टिल वी आर नॉट गेटिंग दैट फीलिंग कि हम दास हैं कृष्ण के। हम इस बात को अभी बोलते हैं, बट वी आर नॉट फीलिंग इट, इट इज नॉट सिंकिंग इन अवर हार्ट। तो इस बात को, अब इस परत को, जो हमारे अनर्थ है, जो हमारी बुरी आदत है, वो हमारे अनर्थ है, जब तक वो धूल मिट्टी हमारे हृदय पर से क्लीन नहीं होगा, साफ नहीं होगा, तब तक वो जो रोशनी है कृष्ण प्रेम का, जो रोशन करेगा, जो हमारे हृदय को प्रेम से, जब हमारा हृदय भर जाएगा, जब हमारे आंखों से भगवान के विरह में आंसू टपकेंगे, तब एक्चुअली में हम अपने गोल को अचीव करेंगे। तो शिक्षा अमृत का जो पहला प्रेयर है वो यही है, चेतो दर्पण मार्जनम भवा महा दावाग्नि निर्वापनम, श्रेया केरा व चंद्रिका वितरणम, विद्यावधु जीवनम, आनंद अम्बुदी वर्धनम, प्रतिपादम पूर्णम, अमृता स्वादनम, सर्वात्मा स्नापनम, परम विजय ते श्री कृष्ण संकेतनम। तो इसमें जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या है, चेतो दर्पण मार्जनम। जो हमारी चेतना है, जो हमारा कॉन्शियसनेस है, उसका वो जो मिरर है हमारे हार्ट का, हमारे हृदय का, उसको हमें क्लीन करना है। अभी उसके ऊपर बहुत सारी धूल जमी हुई है और हमें उसको मार्जिन करना है, यानी हमें उसको क्लीन करना है। और जो ये भव माह दावाग्नि है, जो हम इस संसार में आने के बाद जो हम दुख तकलीफ और परेशानियों को झेल रहे हैं, वो कैसे निकलेगा? वो श्री कृष्ण को का नाम लेने से निकलेगा, उनको याद करने से निकलेगा। जैसे ही ये हमारे अनर्थ खत्म होना शुरू होंगे, ये जो हमारी बुरी आदतें हैं, अभी तो हमें हमारी ये बुरी आदतें ही हमें अच्छी लगती हैं, बिकॉज हम इनके साथ इतना ज्यादा, इतने जन्मों में, जो हमारी 84 लाख योनियों में से हम भटक भटक के आए हैं, तो ये सारी बुरी आदतें अभी हमारे लिए इजी है, सिंपल है, हमको लगता है ये ज्यादा आसान है। जैसे हमें अगर ये बोल दिया जाए अचानक कि हमें चाय नहीं पीना है, हमें लहसुन प्याज नहीं खाना है, तो हमें लगता है कि अचानक एक दिन ऐसा लगेगा कि जैसे कोई मुसीबत का पहाड़ ही टूट पड़ा, हम कैसे खाना कैसे बनाएंगे, हम चाय के बिना कैसे जी पाएंगे। तो ये सब हमारे अनर्थ हैं। अचानक से हमें अगर कोई बोले कि अपने सा ये बुरी आदत है, तो हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते। तो धीरे धीरे जब हम भगवान हरि का नाम लेंगे, चैंटिंग करेंगे, जप करेंगे, तो अपने आप ये सेल्फ रियलाइजेशन होता जाएगा, हमें ये अपने आप एहसास होता जाएगा कि ये जो भी चीजें हैं, ये जो हमारी बुरी आदत है, ये एक्चुअली में बुरी है, ये अच्छी नहीं है, और हमें इससे दूर होना है ऑटोमेटिकली। ये हमें, जैसे कि अभी किसी को बहुत मूवीज देखना पसंद है, मूवीज के सॉन्ग सुनना पसंद है,
तो जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, हमें अपने आप डिस्टेस्ट होने लगता है, वो चीजें अच्छी नहीं लगती जो जनरली हमें टीवी सीरियल देखना, हमें जैसे हमने बहुत सारे हाउस वाइफ को देखते हैं कि वो जो एक सीरियल पसंद करता है तो वो उस टाइम पे वो अपना सारा काम निपटा कर वो बैठ जाते हैं, बस वो सीरियल उनको देखना है। तो वही 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 चीज, जैसे जो खाया है थूकते हैं और फिर वापस उसको चबाते हैं, तो बस वही वही चीज हम टीवी सीरियल्स में देख रहे होते हैं, लेकिन हमको उसमें बहुत आनंद आ रहा होता है। तो जैसे जैसे हमारी चैंटिंग बढ़ेगी, जैसे जैसे हमारा जप बढ़ेगा, हमारे हृदय पे जो धूल जमी है वो क्लीन होते जाएगा और हमारे अनर्थ हमको छोड़ेंगे, और तब जाके हमारे अंदर अपने आप डिस्टेस्ट हो जाएगा इस संसार की चीजों के प्रति। नेचुरल नेचुरल हमारे अंदर से वो जो भी हमें अटैचमेंट था उन चीजों के प्रति, वो अपने आप नेचुरली खत्म होगा। हमें कोई कोशिश नहीं करनी, हमें जबरदस्ती अपने आप को कोई चीज हम पर थोपना नहीं है, हमें बस हरी नाम करना है और वो चीज अपने आप हमें पीछा छोड़ते जाएगी। तो इसी तरह लेकिन ये सब कुछ हमें गुड एसोसिएशन यानी भक्तों के एसोसिएशन में रह के करना है। कभी कभी क्या होता है कि जब हम अच्छे एसोसिएशन में होते हैं, अच्छे संग में होते हैं, भक्तों के संग में होते हैं, तब वो चीजें वो बुराइयां हमें ऐसा लगता है हमारे अंदर से खत्म हो गई। पर इतना अच्छा इतना सडनली तो किसी चीज का रूट को जड़ से निकालना आसान नहीं होता है। वो सिर्फ गुड एसोसिएशन के कारण वो ऐसे फील होता है कि हाँ अब कुछ नहीं है, अब हम बिल्कुल अच्छे से हैं, लेकिन कुछ समय के बाद जब हम फिर से कुछ संसारिक लोगों का संग करने लगते हैं या हमारा गुड एसोसिएशन अपने आप खत्म हो जाता है, जैसे कि अभी हमारा ये कोर्स खत्म हो जाता, हमारा आपका ये जो हम क्लास लेते हैं ये खत्म हो जाता, तो धीरे धीरे हम फिर से दोबारा उसी लाइफ में चले जाते जो हम पहले थे, और फिर धीरे धीरे हमारे अंदर जो अनर्थ पहले थे वो वापस स्प्राउट होना शुरू हो जाएंगे, बिकॉज वो हमने भक्ति का अधूरी सी छोड़ दी है, हमने बस उसको शुरुआत किया, हमें अच्छा संग मिला, हम अपने आप उस अच्छाई को महसूस करने लगे, और फिर जब वो धीरे धीरे वो छूट गया, फिर से हम बुरे संग में आ गए, तो दोबारा वो सारी बुराइयां हमारे अंदर से, वो बुरा जो अनर्थ है वो वापस से खड़े हो गए। तो इसको जड़ से निकालने का यही तरीका है कि हमेशा हमेशा हमें डिवोटीज एसोसिएशन में रहना है। श्रेया तेरा वा चंद्रिका वितरण, इसका मतलब क्या है कि जो ये हरि नाम है वो कैसा है, वो चंद्रमा के समान है। जैसे चंद्रमा की रोशनी जब फैलती है, भगवद गीता में भी भगवान ऐसे ही बोलते हैं कि मैं चंद्रमा की रोशनी हूँ, जो जितने भी वनस्पति है उसको वो किस किस लिए किस तरह होते हैं, वो चंद्रमा की रोशनी के कारण होते हैं। जो रस होता है वनस्पति, जो वेजिटेबल फ्रूट्स के अंदर जो रस होता है वो कहाँ से आता है, वो चंद्रमा की रोशनी से आता है। तो भगवान हरि का नाम भी इसी तरह चंद्रमा की रोशनी है। जैसे रात के समय जब जो रात को खिलने वाले फूल होते हैं, वो खुशबू वाले फूल होते हैं, जैसे जैसे शाम होने लगती है वैसे ही और चंद्रमा जब आसमान में निकलने लगता है, तो धीरे धीरे वो जैसे कोई लिली हो तो वो लिली फ्लावर्स है, तो उसकी खुशबू धीरे 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 धीरे, और जैसे जैसे चांद पूरी तरह आसमान में आ जाता है तो वो खुशबू पूरी तरह फैल जाती है। भगवान जो फूल की खुशबू है लिली जैसे या मोगरा हो, तो ये रात में खिलने वाले फूल होते हैं, और वो जैसे जैसे चंद्रमा ऊपर आता है आसमान में उसी तरह उसकी खुशबू भी फैलते जाती है। तो इसी तरह जो हरि नाम है, हरि नाम जब हमारे हृदय में आता है चंद्रमा के समान, जब चंद्रमा रोशन होता है वैसे हरि नाम का उदय होता है हमारे हृदय में, और वो हरि नाम हमारे हृदय को स्पर्श करता है, तब जैसे धीरे धीरे फूल खिलता है और उसकी रोशनी पूरी फैलती है, वैसे ही हमारा जो हृदय है वो भी खिल उठता है, और जो भगवान के नाम की खुशबू है वो पूरी हमारे हृदय में फैलने लग जाती है। तो भगवान का नाम में भी इतना खुशबू है कि जब वो भगवान के नाम का चंद्रमा जब हमारे हृदय में उगेगा, तब वो पूरे हमारे हृदय को रोशन कर देगा, खुशबू उनके नाम की खुशबू से भर देगा, अमृत जैसे उनका खुशबू जो होगा उससे हमारा हृदय भर जाएगा। तो ये कैसे होगा, ये हरि के नाम से होगा। तो यही कहते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के इस हरि नाम का
जय हो जो हमारे हृदय पर जमे गंदगी है उसको साफ करता है, और हमारे जीवन में जो तकलीफ है, दुख है, उस जो दावागनल है, जो हमारे जीवन में जो फॉरेस्ट फायर जैसे हमारा जो मटेरियल एग्जिस्टेंस है जिसमें हम लोग तप रहे हैं, जल रहे हैं, उसको स्टॉप करता है, उसको रोक देता है। और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे चंद्रमा की रोशनी से लोटस भी, व्हाइट लोटस जो होता है वो कैसे खिलता है, और वो हमारे जीवन को सुख समृद्धि से भरता है, यानी हमारा गुड फॉर्च्यून लेकर आता है। और यही हमारे जीवन का असली एजुकेशन है, हमारा शिक्षा है, चैंटिंग ऑफ होली नेम ऑफ कृष्णा कृष्णा, जो हमारे जीवन को दिव्यता से भर देगा, और चंद्रमा की रोशनी की तरह वो हमारे जीवन को ठंडक प्रदान करेगा। भगवान का जो नाम का जो हनी है, टेस्ट है, जो नेक्टर है, जो अमृत है, वो हर स्टेप में हमारे जीवन में उस सुकून को, उस शांति को भरेगा, उस चंद्रमा की तरह जो कूलिंग इफेक्ट है उसको पैदा करेगा। तो इस तरह ये पहला श्लोक था शिक्षा अष्टकम का। तो हम जब कॉन्ग्रिगेशन चैंटिंग करते हैं, जब हम साथ मिलकर हरे कृष्ण महामंत्र को जप करते हैं, संकीर्तन है ते पाप संसार नाशन, चित्त शुद्धि सर्व भक्ति साधन उद्गम, यानी वो हमारे सारे सिंपल कंडीशन को डिस्ट्रॉय करता है। जो हमारा ये शरीर है, जो हमारा ये जन्म है, जो हमारा ये पृथ्वी पर, ये मटेरियल वर्ल्ड में जो हमारा एग्जिस्टेंस है वो क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि हमने जो सिंस किए हैं, जो पाप किए हैं, तो उसको भोगने के लिए, जो डिजायर्स हैं हमारे उसको भोगने के लिए हमें ये शरीर मिला है। मैंने ये जब तक हमारा एग्जिस्टेंस रहेगा, ये मटेरियल एग्जिस्टेंस, तब तक हम पाप से लिप्त हैं, हम पाप किए हैं, तभी तो हमें ये शरीर प्राप्त हुआ है। तो उसे क्लीन करने का एक ही तरीका है, वो है नाम संकीर्तन। इससे क्या होगा, इससे कृष्ण का प्रेम उद्गम होगा, प्रेम अमृत आस्वादन होगा, कृष्ण प्रेम उद्गम प्रेम अमृत आस्वादन, कृष्ण प्राप्ति सेवा मृता समुद्रे मज्जन, यानी इस चैंटिंग का रिजल्ट क्या होगा, ये हमारे हृदय में श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसको उदय करेगा, और जो हमें उस प्रेम का जो रस आस्वादन है, प्रेम शब्द बोलते ही हमें अपने आप अंदर से उसके प्रति प्रेम शब्द में ही इतना अट्रैक्शन है। तो जब वो कृष्ण के प्रति, जब वो प्रेम हमारे हृदय में प्रकाशित होगा, तब उसका जो टेस्ट होगा, जो हम उस दिव्यता को जो टेस्ट करेंगे, वो ब्लिस को उस दिव्यता को जब हम टेस्ट करेंगे तो वो अलग ही लेवल का होगा। और इससे हमें क्या मिलेगा, हमें हर वक्त श्री कृष्ण का एसोसिएशन मिलेगा, हम भगवान के कृष्ण हमारे साथ होंगे, और हम इस तरह भगवान की सेवा में, उनकी डिवोशनल सर्विस में एंगेज हो जाएंगे, और उस ग्रेट ओशन यानी प्रेम के उस महासागर को हर पल हर क्षण महसूस करेंगे। तो इस तरह नाम नाम आकारी बहुधा, ये है शिक्षा अष्टकम का दूसरा श्लोक। नाम नाम आकारी बहुधा निज सर्व शक्ति दाता पिता नियमित स्मरामि ना काला एकादशी तवा कृपा भगवान ममापि भूदेवम ईदृशम इह जानी नानुरागा। यानी भगवान का जब नाम लेते हैं कि हम बोलते हैं कि हे कृष्ण, आपका जो ये नाम है ये ही इस जीव आत्मा के लिए क्या है, उनका गुड फॉर्च्यून है। हम अभी क्या सोचते हैं कि जो हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, हम मटेरियल चीजों का एक्यूमुलेट करते हैं और उसी को अपना गुड फॉर्च्यून मानते हैं। जैसे किसी के पास सब कुछ मटेरियल सब कुछ हो तो हम बोलते हैं ये बड़ा किस्मत वाला है, बट एक्चुअली में जीव आत्मा की खुशकिस्मती किसमें है, उसका गुड फॉर्च्यून किसमें है, श्री कृष्ण के साथ उनके संबंध को जानने में है, उस संबंध के बाद उनके प्रति प्रेम को महसूस करने में। एक्चुअली में हमारा गोल क्या है, हम कृष्ण को के लिए जो हमारा प्रेम है उसको जाने, उसको समझें और उसको महसूस करें। इसलिए भगवान कृष्ण ने अपने इतने सारे नाम दिए हैं ताकि हम उनका नाम ले सके और उस गुड फॉर्च्यून को, उस खुशकिस्मती को पा सके। एंड जिससे कि भगवान ने क्या किया है, भगवान कृष्ण ने अपना जितना भी
भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, नाम और नामी एक समान। तो भगवान ने अपने सारे पोटेंशियल, उनकी जितनी भी शक्ति है, उनका सब कुछ, वो क्या है, उन्होंने अपने सब नामों में दिया है, कृष्ण, गोविंद, मदन मोहन, गिरधारी। तो भगवान के ये जितने भी नाम है, भगवान के, कृष्ण के, इसलिए इतने ढेर सारे नाम है। उनके हर नाम को, हमें जो नाम पसंद है हम उस नाम को जप सकते हैं, और इसको जपने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं है, ये स्वयं चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। तो इसके बाद हमें कुछ और किताब देखने की जरूरत नहीं है, कोई और स्क्रिप्चर्स देखने की जरूरत नहीं है, स्वयं महाप्रभु बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि जो हरि का नाम है, भगवान ने अपने इतने नाम दिए हैं, और उस नाम को लेकर हम अपनी जो हमारी इस सिंपल सिंपल बॉडी, जो हमारा मटेरियल एग्जिस्टेंस है, जो हमारा भौतिक शरीर है, जिसके कारण हमने हमने जो इतने पाप किए हैं, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा और हमारा गुड फॉर्च्यून जाग जाएगा। और इस हरि के नाम की सबसे बड़ी महिमा, ये जो हरे कृष्णा महामंत्र का जो सबसे बड़ा चीज है, वो ये है कि इसमें कोई रूल और रेगुलेशन नहीं है। आप कैसे भी जप कर सकते हैं, आपको जप करने के लिए सोचना भी नहीं है, आपने माउथ वॉश किया है या नहीं किया, आप सोए हैं, लेटे हैं, आप बैठे हैं, आप चल रहे हैं, आप फिर रहे हैं, माने आप जो कुछ भी कर रहे हो, इस नाम को लेने में आपको कोई रूल, कोई रेगुलेशन नहीं है, नो नियम, कोई नियम नहीं है। स्वयं चैतन्य महाप्रभु ये बात बोल रहे हैं, जो कि स्वयं कृष्ण है। तो इसको फिर भी बहुत सारे लोग बहुत क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि इवन अगर कोई लघु शंका में जा रहा है, या कोई इवन व्हेन यू आर पासिंग स्टूल एंड यूरिन एट दैट टाइम आल्सो, उस वक्त भी हम भगवान का, हरि का नाम ले सकते हैं, उसके लिए भी कोई रूल नहीं है। बिकॉज हमारी मृत्यु मृत्यु के समय भी इंसान की दुर्दशा होती है, बहुत हालत खराब होता है, इवन वो यूरिन भी पास कर देते हैं, स्टूल भी पास करते हैं, तब अगर हम हरि का नाम ना ले, तो हम इस शरीर को छोड़कर भगवान हरि के धाम नहीं जा पाएंगे, हमारा कॉन्शियसनेस हरि में होना चाहिए। और मृत्यु कब किस वक्त आ जाए हम ये नहीं कह सकते। जैसे कि एक व्यक्ति था, तो वो बहुत बिजी रहता था, सारा दिन वो बिजी रहता था, उसके पास बिल्कुल भी हरि भगवान के लिए समय ही नहीं था। तो एक बार नारद जी देखते हैं कि ये कैसा इंसान है, दुष्ट आत्मा है, इसको जरा भी चिंता नहीं है, कभी भी भगवान का नाम लेता नहीं है। तो नारद जी उसके पास जाते हैं, तो वो अपना बड़ा सा बताता है कि मैं सुबह ये करता हूँ, ये काम पे जाता हूँ, मुझे इतनी जिम्मेदारी है, मुझे घर संभालना है, मुझे परिवार संभालना है, मैं कैसे मैं ये सब करूंगा, तो अगर मैं हरि का नाम लेने बैठ गया तो मैं ये सब कैसे, मैं अपने घर को, अपने परिवार को कैसे संभालूंगा। तो फिर नारद जी उसको बोलते हैं, जब आप बाथरूम जाते हैं, जब आप लैट्रिन जाते हैं, तब आप क्या करते हैं? बोलते हैं, नहीं तब मैं कुछ नहीं करता हूँ। तब वो बोलते हैं, ठीक है, जब आप उस फ्री टाइम में हो तब आप हरि का नाम लेना। तो वो राम 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 ऐसे, जब भी वो बाथरूम जाते तब वो राम 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 ऐसे जपते, क्योंकि नारद जी ने उनको कहा था ऐसे। तो हनुमान जी देखते हैं कि ये कैसा गंदा इंसान है, ये कैसे समय में भगवान श्री राम का नाम ले रहा है। तो वो गुस्से में उसके पीठ पर जोर से लात मारती है, लेकिन वो हिलता ही नहीं। हनुमान जी में इतनी शक्ति थी कि अगर वो रावण को भी लात मार दे, तो रावण भी बड़े जोर से दूर जाकर गिर जाए, लेकिन वो हनुमान जी उस व्यक्ति को इतने जोर शोर से उसके पीठ पर मार रहे हैं लात से, लेकिन वो व्यक्ति है कि वो बस राम राम जप रहा है, उसको कुछ असर नहीं हो रहा। फिर हनुमान जी को बड़ा गुस्सा आता है, वो सोचते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है कि मैं अगर रावण को भी मारूं तो वो दूर जाकर गिर जाए, ये व्यक्ति क्यों नहीं, ये तो साधारण सा मनुष्य, एक तो गंदा काम कर रहा है, ऊपर से राम राम कर रहा है। तो वो जाते हैं, राम जी का दरवाजा खटखटाते हैं, तो उसे उन्हें अंदर से बहुत कराने की आवाज आती है कि जो जो उसे राम जी करा रहे हैं। तो वो अंदर जाकर देखते हैं, तो राम जी के पीठ पे बड़ी चोट लगी है, और वो जोर जोर से करा रहे हैं दर्द के मारे। तो वो पूछते हैं कि आपको ऐसे कैसे हो गया, आपको कैसे चोट लगे? तो वो बोलते हैं कि तुमने ही तो मुझे मारा है, तो तुम तो जानते हो ना मेरा नाम और मुझ में कोई अंतर नहीं है। तो बोलते हैं, मैंने कब आपको मारा, मैं तो आज सुबह किसी और व्यक्ति, तो सारा बताते हैं उनको। तो बोल तब उनको समझ में आता है, वो बोलते हैं कि क्या तुम नहीं जानते,
मैं और मेरे नाम में कोई अंतर नहीं। तब उनको हनुमान जी को समझ में आता है कि राम हरि का नाम इतना पावरफुल है कि हम उसको किसी भी बात किसी भी समय जप सकते हैं। कोई नियम नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसलिए हमें भी बार बार आप लोग को बोलती है कि चाहे जैसे भी हो, आप लोग हरे कृष्णा महामंत्र को छोड़ना मत, उसको पकड़ के रखना। तो इसलिए हरे, ये जो हमारा हरी नाम है, इस पे चैंटिंग के लिए कोई रूल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है। आप कभी भी जप कर सकते हैं, किसी भी अवस्था में जप कर सकते हैं। अनेक लोके रवांचा अनेक प्रकार, कृपा ते करीले अनेक नामेरा प्रचार। क्योंकि इस संसार में अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग उनकी डिजायर्स हैं, इसलिए भगवान ने अपने इतने सारे नाम दिए हैं। कुछ लोग कृष्ण बोलने के बदले उन्हें दूसरे श्याम सुंदर नाम से पुकारना पसंद करते हैं, या गिरधारी नाम से। तो अलग अलग नेचर्स के लोग हैं, तो भगवान ने उन सब पर कृपा करने के लिए अपने इतने सारे नाम डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं, ताकि उन सब पर उनकी कृपा बरस सके। खाइते सुइते यथा तथा नाम लय, काल देश नियम नहीं सर्व सिद्धि है। यानी बिना रिगार्डलेस ऑफ टाइम और प्लेस, कोई भी समय कभी भी आप हरि का नाम खाते पीते सोते जागते, आप हरि का नाम लो, यू विल अटेन द परफेक्शन। यानी कोई नियम नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी आपको सिद्धि प्राप्त होगा। यानी जो नाम जो करना चाहता है, नाम का जो कृपा है, वो हमें हर हाल में प्राप्त होना। सर्वशक्ति नामे दिला करिया विभाग, आमार दुर्देवा नामे नाही अनुराग। भगवान ने अपनी सारी शक्ति डाल दी है अपने नाम में। इस कलयुग ने हम पर अपार कृपा की है, भगवान के नाम की जो कृपा इस कलयुग में हमें प्राप्त हुई है। इस कलयुग का यही धर्म है नाम संकीर्तन। तो इस कलयुग में भगवान ने अपनी सारी शक्ति डाल दी है नाम में, लेकिन क्या होता है कि हमें कोई अटैचमेंट नहीं है चैंटिंग के लिए, हमें उनके नाम के प्रति कोई आकर्षण नहीं हो रहा। तो ये जो लाइन है, ये जो चैतन्य महाप्रभु ये बोल रहे हैं, ये हमारा मूड होना चाहिए चैंटिंग के वक्त। हमें ये मूड होना चाहिए कि भगवान ने सब कुछ दिया है अपने नाम में, लेकिन हमारे अंदर फिर भी उनके नाम के प्रति जो प्रेम है वो नहीं जाग रहा, उनके नाम के प्रति जो अटैचमेंट है वो नहीं जाग रहा। ये रूपे लाइला नाम प्रेम उपजाए, ताहार लक्षण सुनर स्वरूप राम राय। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु जी ने जो अपना अंतिम समय जो लीला थी, अंतिम लीला, वो स्वरूप दामोदर और रामानंद राय के साथ उन्होंने अपना समय बिताया था। तो इस इन दोनों को ही वो ये सब कुछ बोल रहे थे। तो वो बोलते हैं कि हरे कृष्णा महामंत्र जब हम जपते हैं, तो ये हमारे हृदय में जो हमारा कृष्ण के प्रति जो डोरमेंट प्रेम है, यानी जो प्रेम हमारा सोया हुआ है, उसको जगा देता है। इतना मतलब ये हरे कृष्णा महामंत्र जपने का सिम्टम है कि हमारे हृदय में जो प्रेम है वो जाग जाता है। तो अब हम थर्ड श्लोक, थर्ड शिक्षा लेते हैं श्री चैतन्य चरण शिक्षा अष्टकम का, जो महाप्रभु ने दिया है। क्वीनाद अपि सुनिचेन तरोर इवा सहिष्णुना, अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा। तो हमें भगवान इसमें वो बता रहे हैं कि हमें श्री हरि का नाम किस तरह लेना है। क्वीनाद अपि सुनिचेन, यानी हमें क्वीन यानी घास जो होता है, उससे भी ज्यादा हमें विनम्र होना है। सुनिचेन यानी तीन से भी ज्यादा हमें विनम्र होना है। कैसे? जैसे जब हवा चलता है तो जो घास होता है, या फिर जब हम घास के ऊपर चल रहे होते हैं, तो घास क्या होता है, बेंड हो जाता है, दब जाता है, झुक जाता है। और लेकिन जब हम पैर उठाते हैं तो घास वापस खड़ा हो जाता है। लेकिन हमें क्या बनना है, हमें कैसे बनना है, हमें उससे भी ज्यादा लो होना है, हमें उससे भी ज्यादा विनम्र होना है। कि ऐसे भी घास के साथ झुक गया और फिर वापस अकड़ के खड़े, उससे नहीं होना है। हमें विनम्र होना है, बहुत ही विनम्र होना है, तीन से भी ज्यादा विनम्र होना है। और जो तरुण है, तरुण इवा सही सुना, यानी जो पेड़ होता है, पेड़ यानी तरुण, उससे भी ज्यादा हमारे अंदर सहन शक्ति होनी चाहिए। कैसे? जब पेड़ पेड़ को काटा जाता है तब भी वो कुछ नहीं बोलता, पेड़ जब सूख जाता है, सूखने लगता है, तब भी वो किसी को कुछ नहीं बोलता, वो नहीं कहता मुझे पानी दो। पेड़
तो जब हम पत्थर मारते हैं फल लेने के लिए, तब भी पेड़ रिटेलिएट नहीं करता। वो नहीं बोलता कि तुमने मुझे पत्थर क्यों मारा। वो वहां से ऊपर से पेड़ अपने पत्ते और या अपने शाखाएं नहीं गिरा देता उस व्यक्ति पर। यानी पेड़ हर स्थिति को, हर सिचुएशन को सहन कर लेता है। तो हमें तरुण की तरह, हमें पेड़ की तरह सहनशील होना है। अमानिना, मान लेना। यानी भले ही सामने वाला हमें मान दे या ना दे, फिर भी हमें उसे मान देना है। और अमानिना यानी हमें मान की अपेक्षा नहीं करनी है। हमें किसी से भी ये एक्सपेक्ट नहीं करना है कि ये हमें रिस्पेक्ट करेगा। आधे प्रॉब्लम हमारे लाइफ में क्यों होते हैं? बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये इंसान भी मुझे मान करे, मान देगा। जरा सा सामने वाले का एटीट्यूड, या वो किसी और सिचुएशन में हो जिस कारण वो आपको पूरी तरह सम्मान से, ठीक से बात ना कर पा रहा हो, बिजी होगा इसलिए बात नहीं कर पा रहा, तो हम उस बात में भी ये सोच लेते हैं कि इसने मेरा अपमान कर दिया। तो एक्चुअली में ये भक्ति निशानी नहीं है, ये भी अनर्थ है। अमानिना मैंने हमें मान की अपेक्षा ही नहीं करनी। हमें सामने वाला हमें मान दे रहा है नहीं दे रहा है, इसकी अपेक्षा नहीं करनी, किसी से नहीं करनी। लेकिन हमें सबको सम्मान देना है, हमें सबके साथ। वी शुड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फॉर आवर सेल्फ। हमें दूसरों से ये एक्सपेक्ट नहीं करना है कि ये हमें रिस्पेक्ट करे, ये हमारे साथ। और यही सबसे सही तरीका होता है जीने का। बिकॉज जब हम दूसरों से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें सम्मान दे, तो हमें जरा जरा सी बात पे ये लगता है कि उसने मेरा अपमान कर दिया। जबकि सामने वाला इंसान को कुछ लेना देना नहीं होता है आपके सिचुएशन से। वो अपने अलग सिचुएशन में ही फंसा हुआ होता है, जिसमें उलझ कर वो शायद आपकी बात पर ध्यान ना दे या आपको इग्नोर कर दिया हो ऐसा लगे, लेकिन वो अपनी उलझन में उलझा हुआ है। बट हमें क्या लगता है कि नहीं, इसने तो मेरा अपमान कर दिया। तो इस परिस्थिति से, इस साइकोलॉजिकल, ये भी एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमें। तो इस प्रॉब्लम से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि अमानी ना हो जाओ। डू नॉट एक्सपेक्ट के किसी से मान की अपेक्षा, उम्मीद मत रखो। और हम सबको मान देते हैं तो हमारे से कोई अपराध नहीं होगा, बिकॉज हमने सबको मान दिया। सामने वाला अपराध कर रहा है, वो उसकी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो अपनी भक्ति खोएगा, वो उसका नुकसान होगा। जब कोई किसी का अपमान करता है तो वो अपना नुकसान करता है, सामने वाले का कोई नुकसान नहीं होता। सामने वाले का नुकसान तब होता है जब उसने उसका अपमान किया और उसने उसको ले लिया कि अरे इसने मेरा अपमान किया, तो वो भी सामने से रिटेलिएट करेगा। बट जब हम एक्सपेक्ट ही नहीं करेंगे, हम सबको सम्मान दे रहे हैं, हम एक्सपेक्ट ही नहीं करें कि ये मुझे सम्मान दे या ना दे, वी आर जस्ट न्यूट्रल टू दैट, तब हम उस साइकोलॉजिकल, उस स्ट्रेस में गुजरेंगे ही नहीं। हमारे अंदर वो स्ट्रेस आएगा नहीं। हम हमेशा शांत चित रहेंगे, और इस ऐसे शांत चित से हम बहुत अच्छे से भक्ति कर पाएंगे। हमारा मन चैंटिंग के समय 10 जगह दिशा में भागेगा नहीं, हमें अंदर से सुकून रहेगा। जब हम भगवान का नाम जप करेंगे ऐसी मन स्थिति में, तो हमारे अंदर सुकून होगा, हमें कोई टेंशन नहीं होगी, कोई चिंता नहीं होगी। आधा प्रॉब्लम तो यही होता है कि जब हम जप कर रहे होते हैं तो हमारे मन में ये लगता रहता है कि इसने मेरा अपमान किया, और आधा का मन तो उसी में भागता रहता है, उलझा रहता है, चैंटिंग नहीं होती है फिर तब ठीक से। तो ये अपराध से बचने का यही तरीका है कि हमें किसी से मान नहीं एक्सपेक्ट करना है। हमें एक दिन से भी ज्यादा विनम्र होना है। हमें पेड़ की तरह सहनशीलता होनी चाहिए। हमें किसी से मान नहीं एक्सपेक्ट करना, हमें सबको मान देना है। और कीर्तन या सदाहरी, जब ये सारे ये तीन गुण हमारे अंदर आ जाएंगे, तो हम सदा ही हरि कीर्तन करेंगे, सदा ही श्री कृष्ण के लिए प्रेम को अपने हृदय में महसूस कर पाएंगे, और खूब अच्छे से हमारी जप होगी। हम 100% भगवान का नाम में आनंद को प्राप्त कर पाएंगे। तो ये बेस्ट तरीका है जिससे कि हमारा जप कभी भी खराब नहीं होगा। तो इस तरह जैसे कि उत्तम हाना अपना के माने त्रिना धाम, दुई प्रकारे सहिष्णुता करे वृक्ष समा। यानी जो उत्तम भागवत होता है, जो अच्छा डिवोटी होता है, उत्तम लेवल पे होता है, उसका ये सिम्टम्स है, उसका ये गुण है कि वो हरे कृष्णा महामंत्र का जप करता है और अपने आप को सबसे छोटा मानता है, घास से भी छोटा मानता है, पेड़ की तरह सब कुछ टॉलरेट कर लेता है, और
सबको सम्मान देता है। तो जो उत्तम खाना अपना के माना सीना जान, जो उत्तम होता है वो अपने आप को सबसे छोटा मानता है, और जो छोटा होता है वो अपने आप को सबसे अकड़ के बड़ा मानता है। इसलिए हमें उत्तम भक्त बनना है, और उत्तम बनने का यही निशानी है कि ये तीन गुण को हम अपने अंदर अच्छे से धीरे धीरे, भले ही वो एक दिन में नहीं आएगा, पर धीरे धीरे जब हम चैंटिंग करते हैं तब हम जरूर शिक्षा के 8 प्रेयर्स को रोज रीड करें। चैंटिंग जब हरि नाम करने बैठे, 16 माला जप करने के पहले, हमेशा शिक्षा अष्टकम के 8 प्रेयर्स जो है इसको जरूर रीड कीजिए और उसको मन में बिठा लीजिए। और जब ऐसे करते हैं तो हमारी चैंटिंग बहुत अच्छी होगी, बेस्ट चैंटिंग होगी। वृक्ष ये ना कटीले हा किच्छु ना बोलाए, सुकन माली है करे पानी ना मांगाए। यानी वृक्ष जब काटते हैं तो प्रोटेस्ट नहीं करता, जब सूखता है तो पानी नहीं मांगता। यही ए मागे तारे दिया अपन धन, धर्म दृष्टि सहे अनेर कराए रक्षण। मैंने जो जैसे मैंने अभी बताया था कि पेड़ जो होता है वो फल देता है, फूल देता है, उसके पास जो होता है लकड़ी होता है, छाल होता है, सब कुछ दे देता है। उस पर से वो तेज धूप की किरणें भी लेता है, तेज तेज बारिश होती है उसको भी सहन करता है, लेकिन फिर भी दूसरों को शेल्टर देता है। तो ऐसा ही उत्तम हाना वैष्णव हमें निराभिमान जीवे समान दिव्य जानी कृष्ण अधिष्ठान। यानी जो उत्तम वैष्णव होता है वो हमेशा अपने आप को, वो निराभिमानी होता है, उसके अंदर अभिमान नहीं होता, वो सब जीवों को समान से देखता है, सबको समान लेता है, भले सामने वाला किसी भी कैटेगरी का, हमने अपनी तरफ से अच्छा काम कर लिया, हमारा काम हो गया, सामने वाला क्या करता है, वी आर नॉट कंसर्न, वी आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर कर्म। हम अपने कर्म के लिए जिम्मेदार है, सामने वाले के नहीं। अगर सामने वाला गलत करेगा हमारे साथ, तो कृष्ण, जब हम हरि नाम लेते हैं तो कृष्ण का ये जो नाम है वो हमारी रक्षा करता है। और इसलिए हमें निराभिमानी होना है, हमें बस अपना, हमें दूसरों को सम्मान देना है, दूसरा हमें दे रहा है नहीं दे रहा है, वी आर नॉट एट ऑल कंसर्न अबाउट दैट। हमें अभिमान की, हमें सम्मान की अपेक्षा नहीं करनी, हमें निराभिमान होना है। तो इस तरह हमें सब जीवों का सम्मान करना है। इसलिए ई मता हाना एई कृष्ण नाम ले, श्री कृष्ण चरणे तारे प्रेम उपजाए। तो इस तरह से जब हम श्री कृष्ण का नाम जप करेंगे तब हमारे हृदय में जो श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है वो जागृत होगा, हमें कृष्ण के चरणों के प्रति प्रेम जाग जाएगा। तो इस तरह जब, क्योंकि जब हमारा माइंड एकदम टोटल रिलैक्स होगा, जब हमें किसी से कोई उम्मीद ही नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, हमने अपना काम किया तो हमारे दिल पर कोई बोझ भी नहीं है कि हमने किसी के साथ कुछ गलत किया है। जब हम गलत करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे हृदय में वो बोझ सा आ जाता है, और जब हम उस हालत में चैंटिंग करते हैं तो चैंटिंग बहुत खराब होती है, माने हम ऑफेंस करते हैं चैंटिंग में। लेकिन जब हमारे अंदर ये गुण आ जाएंगे तो ऑब्वियसली हमें कुछ भी फील नहीं होगा, हमने कुछ गलत किया नहीं, तो हमारे अंदर कोई उथल पुथल नहीं होगी, हमारे अंदर शांति होगी। और जब इस अवस्था में हम भगवान हरि का नाम लेंगे तो हमारे ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे अंदर श्री कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं जागेगा, जरूर जागेगा, बिकॉज हम कोई ऑफेंस नहीं करेंगे। कही ते प्रभु दैन्य बाढ़िला, शुद्ध भक्ति कृष्ण स्थानी माघी ते लागिला। यानी इस तरह बोलते बोलते श्री चैतन्य महाप्रभु के अंदर की जो ह्यूमिलिटी और इंक्रीज हो गई, और वो श्री कृष्ण से उनका प्रेम, उनकी भक्ति मांगने लगते। तो इस तरह वो बता रहे कि हमें किस तरह श्री कृष्ण से उनका प्रेम, उनकी भक्ति को मांगना है, अपने आप को किस तरह निराभिमानी बनना है, कोई मान की अपेक्षा नहीं करना है, सब जीवों को सम्मान देना है, सबके साथ समान भाव रहना है। प्रेमेरा स्वभाव यहाँ प्रेमेरा संबंध, सेई माने कृष्ण मोरा नाही प्रेम गंध। यानी प्रेम का जो ये स्वभाव है वो क्या है, जब हम किसी को प्रेम करते हैं तो ये प्रेम का स्वभाव है, ये प्रेम का जो संबंध है उसका ये स्वभाव है कि कृष्ण मेरे मन में कृष्ण के प्रति जरा सा भी प्रेम नहीं है। जब प्रेम होता है तब हमको लगता है कि हमें कृष्ण से प्रेम नहीं है। नॉर्मली लोग बोलते हैं कि मुझे कृष्ण से बहुत प्रेम है, मुझे कृष्ण से बहुत प्रेम है, बट अभी ये प्रेम का स्वभाव नहीं है, ये प्रेम नहीं है। जब प्रेम होगा, जब कृष्ण के प्रति प्रेम होगा तब ऐसे लगेगा कि मुझे कृष्ण से जरा भी प्रेम नहीं है। तो ये प्रेमेरा स्वभाव यहाँ प्रेमेरा संबंध, सेई
माने कृष्ण मुरारी ना ही प्रेम गंध, प्रेम का एक थोड़ा सा गंध भी नहीं है मेरे अंदर। तो ये हमारा भाव होता है प्रेम में, तो इस भाव तक हमें पहुंचना है। नेक्स्ट श्लोक है शिक्षार्थकम का, ना धनम ना जन्म ना सुंदरी कवितम वा जगदीश कामाय मम जन्मानि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर अहितुकित्वम्। यानी हे भगवान, ना मुझे इस मटेरियल वर्ल्ड की कोई चीज की इच्छा है, ना मुझे मेरे फॉलोअर्स चाहिए, क्योंकि मैं आपका प्रचार कर रहा हूँ तो मुझे बहुत सारे लोग फॉलो करने चाहिए, बहुत सारे लोग मेरे आगे पीछे घूमने चाहिए, मुझे सम्मान देना चाहिए, मुझे बहुत अच्छा आसन दे बैठने के लिए, मुझे दंडवत प्रणाम करें, मतलब ये सब प्रतिष्ठा आसन है। यानी हमें ये लगता है कि हम बहुत अच्छे टीचर हो गए हैं, हम बहुत सम्मानीय व्यक्ति हो गए हैं, तो अब सब लोग को हमें सम्मान देना चाहिए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, ना धनम ना जन्म ना सुंदरी, ना मुझे कोई अच्छा जन्म चाहिए, ना मुझे धन चाहिए, ना मुझे प्रतिष्ठा चाहिए, ना मुझे फॉलोअर्स चाहिए मेरे, ना मुझे सुंदरी, ना मुझे ब्यूटीफुल वाइफ चाहिए। तो ये इच्छा सब व्यक्ति में होती है। जैसे यंग गर्ल्स को क्या चाहिए, बहुत अच्छा हस्बैंड चाहिए, बहुत पैसे वाला रिच हस्बैंड हो, बहुत सुंदर हो, हैंडसम हो। तो वैसे ही जो लड़के होते हैं उनको क्या चाहिए, बहुत ब्यूटीफुल वाइफ हो, बहुत ऐसे हो वैसे हो, तो सबके मन में ये इच्छा होती है। तो चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं कि ना मुझे ब्यूटीफुल वाइफ चाहिए, ना मुझे धन चाहिए, ना मुझे प्रतिष्ठा चाहिए, ना मुझे अच्छा जन्म चाहिए, मुझे किसी के जो लोग जो मुझे तारीफ करें, मुझे ये भी नहीं चाहिए। कोई तारीफ, एक भक्त कैसा होता है, आप उसको अच्छा बोले तो भी अच्छा है, आप उसको अच्छा ना बोले तो भी अच्छा है, आप उसको बुरा बोले तो भी वो स्थिर है। मैंने तीनों ही स्टेजेस में वो स्थिर है, उसको अफेक्ट नहीं होता है कि आपने क्या बोला। तो ये होता है भक्ति का स्टेज। तो हमें इस स्टेज पर आना है कि हमारे मन में कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, भले ही हमारे पास बहुत धन हो तो हम उसको भक्ति में लगा दें, वो ना हो तब भी हम न्यूट्रल रहें। तो ये इच्छा हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए कि ना धनम ना जन्म ना सुंदरी, नो धन नो प्रतिष्ठा नो वेल्थ, मटेरियल वेल्थ, ये सब मटेरियल वेल्थ। जो भक्ति का धन है वो अलग है, ये जो धन की बात हो रही है वो मटेरियल वेल्थ की बात हो रही है। तो जो मटेरियल वेल्थ है वो नहीं चाहिए। जो मटेरियलिस्टिक फॉलोअर्स हैं, जो हमें फॉलो कर रहे हैं, ये सब हमारे अंदर कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। हमें कोई ब्यूटीफुल वाइफ नहीं चाहिए, नो ना सुंदरी, और कोई हमारी तारीफ करे हमें वो भी नहीं चाहिए। ऑल आई वॉन्ट लाइफ आफ्टर लाइफ इज अनमोटिवेटेड डिवोशनल सर्विस। यानी मम जन्मानी जन्मानीश्वरे लाइफ आफ्टर लाइफ भवतात् भक्तिर अहितुकी त्वयि। यानी हमें अहितुकी भक्ति चाहिए, बस आपकी, ये सब कुछ नहीं चाहिए। जन्म आफ्टर हर जन्म में हमें बस क्या चाहिए, आपका भक्ति चाहिए, अहितुकी, यानी बिना किसी इच्छा बिना किसी डिजायर वाली ऐसी भक्ति जिसमें कोई, जिसकी हमारी इच्छा क्या होनी चाहिए, हमें श्री कृष्ण की सेवा करनी है, उनके भक्तों की सेवा करनी है बस, और कोई इस मटेरियल वर्ल्ड का कोई डिजायर उस भक्ति में नहीं होना चाहिए, वरना वो भक्ति नहीं होता, वो कंटेमिनेटेड हो गया है तो वो भक्ति नहीं होता। भक्ति का मतलब ही प्रेम होता है, प्रेम में सेवा होती है। धन जन नाही मांगो कविता सुंदरी शुद्ध भक्ति दे हमारे कृष्ण की पाकरी। यानी बोल रहे हैं कि मुझे ना धन दो ना जन, लोगों का भी दो मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे कोई सुंदरी भी नहीं चाहिए, बस मुझे देना है तो क्या दो, कृष्ण कृपा करके मुझे बस शुद्ध भक्ति दो, यही आपकी आपकी कॉजलेस मर्सी चाहिए बस। तो अति दैन्य पुना मांगे दास्य भक्ति दान अपना रे करे संसारी जीवा अभिमान। यानी ग्रेट ह्यूमिलिटी, एकदम विनम्र होकर हमें भगवान से क्या मांगना है कि मुझे आपकी भक्ति चाहिए, मुझे संसार का कोई भी चीज नहीं चाहिए, मुझे बस आपकी सेवा चाहिए, बस यही इच्छा हमारे अंदर होनी चाहिए, जो श्री चैतन्य महाप्रभु हमें बता रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु भक्ति कैसे करनी है, भक्त बनकर हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं कि हमें किस तरह भक्ति करनी है। नेक्स्ट श्लोक है शिक्षाष्टकम का, ऐ नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवम बुद्धो
कृपया तव पाद पंकजा सीता धूलि सादृशं विचिन्तया। हे मेरे कृष्ण, अरे नंद तनुज, नंद तनुज मैने जो नंद महाराज का पुत्र है, तनुज यानी उनके तन का अंग है, यानी उनके पुत्र है। तो अरे नंद तनुज, ओ माय लॉर्ड, ओ कृष्णा, ओ सनक महाराज नंद, मैं आपका इटरनल सब हूँ। मैं मैने इटरनली सनातन यानी हमेशा से आपका सर्वेंट हूँ, आपका दास हूँ। लेकिन क्योंकि मैंने मेरे मन में इस संसार को भूलने की इच्छा थी, माई ओन प्रोटेक्टिव एक्ट, इसलिए मैं इस संसार में, इस भव सागर में, भवा अम्बुधौ यानी इन द ओशन ऑफ निशान, इस भव सागर में मैं इसलिए आ गया क्योंकि मेरे मन में इस संसार को भोगने की इच्छा थी। लेकिन अब आप मुझ पर दया करो, कृपा करो और मुझे अपने चरणों की बस एक धूल समझो। और भगवान जब हमको अपने चरणों में आश्रय दे दे तो इससे बड़ी कृपा और कुछ नहीं होती, इससे बड़ा धन और कुछ नहीं होता। यही सब कुछ है, यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो बता रहे हैं कि अरे नंद तनुज, किंग करम मने दास, किंग करी दास ही होता है, किंग कर मने दास, पतितम माम विषमे भवम बुधौ, यानी मैं इस भव सागर में इसलिए गिर गया क्योंकि मेरे मन में इस संसार को भोगने की इच्छा जागी। लेकिन अब आप मुझ पर कृपा कीजिए और अपने पद पंकज यानी अपने जो लोटस फीट है उसकी एक धूल बना दीजिए ताकि मैं हमेशा आपके पास रहूं, आपके साथ रहूं। तो यही हमें कृपा कर चाहिए श्री कृष्ण की, यही हमारा सोच होना है, यही हमारे अंदर विचार होना चाहिए जब हम भगवान का नाम जप कर रहे। तोमार नित्य दास हुई, तोमा पासारी है, परी याचो भावर नावे माया बद हानि, यानी मैं आपका इटरनल सर्वेंट हूँ, मैं आपका हमेशा से दास था, बट लेकिन मैं आपके साथ अपना ये रिश्ता भूल गया, इसलिए मैं इस संसार सागर में गिर गया हूँ और कंडीशन हो गया हूँ इस माया में। माया ने मुझे अपने जो एक्सटर्नल एनर्जी है भगवान जी वो कौन है, माया है, बहिरंगा शक्ति। तो इस बहिरंगा शक्ति ने मुझे अपने बस में कर लिया है। अपने कैसे बहिरंगा शक्ति, अपने तीन गुणों के जो धागे हैं उससे हमें नचाती है, तो उसमें उसने हमें बांध दिया है। तो इसलिए जो हम बार बार बोलते हैं कि हम भगवान के साथ अपना इंटरनल जो रिलेशनशिप है वो भूल गए, हमें क्या करना था, हमें भोग करना था, हमें भी भगवान की तरह भोग करने की इच्छा जाग गई और हम इस संसार में आए हैं उस भोग को करने के। तो हम अपना रिश्ता भूल गए कि हम कृष्णा के सर्वेंट हैं और इसलिए हम इस संसार सागर में आकर गिर पड़े हैं। कृपा करी करा मोरे पद धूलि समा, तुम्हार सेवक करो तुम्हार सेवक, यानी कृपा कीजिए, बी द कॉसलेस मर्सी, कॉसलेसली मर्सीफुल, यानी अहितु की कृपा कर दीजिए हम पर, अपने चरणों की डस्ट का, डस्ट भी नहीं, उस डस्ट का जो एक पार्टिकल है वो बना दीजिए अपने चरणों में ताकि मैं हमेशा वहां पे रहूं, आपके सर्विस में एंगेज रहो, आप हमेशा आपकी सेवा में लगा रहो। इस तरह वो बताया, बोल रहे हैं कि हमेशा मुझे अपनी सेवा में रखें। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि ये जो अनर्थ है ये चले, हमें ऐसे लगता है कि चले गए, पर हमें बिकॉज ये कलयुग है, कलयुग में हम अकेले कुछ भी करने की कोशिश करेंगे, कितना भी भक्ति करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं कर पाते। तो अगर हमें इन अनर्थों से मुक्त होना है तो हमें भक्तों का संग करना ही होगा, इसलिए संकीर्तन यज्ञ को इस कलयुग का धर्म कहा गया है। तो इसलिए हमें अगर अनर्थों से मुक्त होना है, अपनी सारी बुराइयों से मुक्त होना है, तभी ये जो शिक्षा आश्रम की जो शिक्षा है वो हमारे हृदय में प्रकाशित होती जाएगी। तो ये शिक्षा को हमें हर रोज चैंटिंग करने के पहले पढ़ना होता है। तो इसलिए भगवान से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें अपने चरणों की धूल का एक पार्टिकल बने, एक कण बना दीजिए, उस धूल का भी एक कण बनाकर अपने चरणों में ही लग रखिए हमेशा, क्योंकि हम उनसे अपना रिश्ता ही भूल गए। पुनः अति उत्कंठ दैन्य हा लीला उद्गम, कृष्ण थानी मागे प्रेम नाम संकीर्तन। तो इसी तरह हमें बहुत ही नेचुरल ह्यूमिलिटी के साथ, हाँ, वो जो हमारे अंदर विनम्रता है,
वो जो हमारे अंदर विनम्रता है वो नेचुरली हमारे अंदर अवेकन होती जाएगी। इसलिए नाम अपराध होने से भी हमें नाम को पकड़ कर रखना है, नाम को नहीं छोड़ना, नाम ही कृष्ण है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। और इवन इफ हमारा मन बहुत जगह भागता है, बिकॉज वो भागेगा ही, अभी हम लोग शुद्ध नहीं हुए हैं, शुद्ध होना बाकी है हमें। तो इस शिक्षा अष्टकम की जो शिक्षा है उसको हमें हर रोज चैंटिंग के पहले पढ़ के उसको ध्यान में मन में एब्जॉर्ब करना है, और फिर हमें नाम जप करना है। और ऐसा करने से ये जो शिक्षा है ये हमें हेल्प करेगी, नाम जप को हमारा अच्छा करते जाएगी, और हमारे अनर्थ धीरे धीरे हमें छोड़ते जाएंगे। तो इसलिए हमें नेचुरल ह्यूमिलिटी के साथ, बहुत ही ईगरनेस के साथ भगवान हरि का नाम जप करना है, महामंत्र का जप करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, इसको करते ही जाना है। नेक्स्ट शिक्षा है भगवान चैतन्य महाप्रभु की, नयनम गलद अश्रु धाराया, वददम गदगद रुधाय गिरा, पुलकित निश्चितम वपु कदा, तव नाम ग्रहणे भविष्य। यानी ऐसा कब होगा भगवान, ऐसा कब होगा जब मेरे आंखों से आपका नाम लेते ही, आपका नाम सुनते ही आंसुओं की धार बहने लगी। ऐसा कब होगा जब मैं आपका नाम बोलने की कोशिश ही कर रहा होऊंगा और मेरे आंखों से प्रेम से आंसू बहने लगेंगे। ऐसा कब होगा जब मेरा आवाज, मतलब मैं ठीक से बोल नहीं पाऊँ, भगवान का प्रेम जब पूरे शरीर को में भर जाएगा, जब हमारे हृदय में उसका हर कोना लाइट से, भगवान के प्रेम की जो रोशनी है उससे जगमगा रहा होगा, तब कृष्ण का नाम बोलना भी मुश्किल होगा। वो फॉल्टर केस, मतलब ऐसा कब होगा जब मैं आपका नाम बोल भी नहीं पाऊँ, ऐसा कब होगा जब मेरे हाथ के सारे रोम खड़े हो जाएं और मेरे अंदर वो ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस हो और मैं आपका हरी नाम ले सको, ऐसा दिन कब होगा? तो ये हमारी गोल होना चाहिए, हमारा इच्छा होना चाहिए। जब हम हरि का नाम ले रहे हैं तो हमारे अंदर ये इच्छा होनी चाहिए कि ऐसा कब होगा जब नेचुरली हमारे आंखों से भगवान, जो हमारा हार्ट जब मेल्ट होना लगेगा, जब हमारा हृदय एक्चुअली में मेल्ट होगा। ऐसे हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो बहुत रोने लगते हैं, बट वो नकली है। जो असली प्रेम होता है ना, जब कोई भक्त होता है, जो शुद्ध भक्त होता है, और जब उसकी आंखों में असली में भगवान के लिए प्रेम हो और वो आंसू बहते हैं, तो वो हम लोग को भी वो प्रेम में डुबा लेते हैं। ये उनको देख के हमारे अंदर भी कृष्ण के प्रति प्रेम और उभरने शुरू हो जाता है, तब समझना कि वो असली भक्त है। नहीं तो ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो ऐसे लगेगा मुझे भगवान का नाम लेने में भी रोना आ रहा है, तो वो थोड़ा वो हार्ट उनका मेल्ट नहीं हुआ है, वो बस ऊपर ऊपर से वो सुनी, जैसे अभी हम बोल लिए, उन्होंने कहीं सुन लिया इस बातों को, और फिर वो उसको एक्टिंग, मतलब वो थोड़ा बहुत एक्टिंग जैसा होता है, तो वो नेचुरल प्रेम नहीं होता है। प्रेम बहुत ऊंचा लेवल है, ये बहुत ही ऊंचा लेवल है। कब हम इस उत्तम भक्ति के लेवल पे पहुंचेंगे, कब सच में जब हरि का नाम लेते हुए हमारे आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी, जब राधा रानी कृष्ण बोलने के लिए बस थ्री बोलती थी तो वो रोने लगती थी, तो ये वो वाला प्रेम है कि कब कृष्ण मैं तुम्हारा नाम लूं और मेरे आंखों से आंसू की धारा बहने लग जाए, कब ऐसा होगा कि तुम्हारा नाम बोलने में मुझे मेरा वॉइस फॉल्टर करेगा, यानी मेरे आवाज थरथराएगी, कब मेरे शरीर का, कृष्ण का नाम सुनते ही शरीर के सारे रोम खड़े हो जाएंगे। इवन इन दिस वर्ल्ड, इस भौतिक संसार में भी, जब कोई किसी को शुरू शुरू में जब किसी को लड़का और लड़की उनको प्रेम होता है, तो तब उनको उनको एक दूसरे से का नाम सुन के कुछ होता है, वो शुरू शुरू में जैसे होता है, तो हम उसको प्रेम के सिम्टम्स बोलते हैं। तो यही सिम्टम्स, जब कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम बढ़ेगा तो हमें कृष्ण का नाम लेते ही आंखों से आंसू की धार बहने लगे, उनका नाम लेते ही हमारा वॉइस फॉल्टर करने लगे, आवाज थरथराने लगे, शरीर के रोम जितने भी गूज बम्स जैसे आ जाए, तब समझो कि वो प्रेम का स्टेज होता है। तो हम इस स्टेज पर कैसे पहुंचेंगे? तो भगवान बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु कि ऐसा कब होगा, नयनम गलद अश्रु धाराया, वदनम गदगद रुधाय गिरा, पुलकित निश्चितम वपुः कदा, तव नाम ग्रहणे भविष्याति।
ऐसा कब होगा, वो पूछ रहे हैं भगवान मेरे साथ ऐसा कब होगा। प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करी बेटन मोरे देह हाथ। यानी प्रेम धन के बिना मेरा जीवन दरिद्र है, एकदम मेरे पास कुछ नहीं है। अगर कृष्ण का प्रेम नहीं है तो मेरा जीवन दरिद्र है। कब आप मुझे अपना सेवक के रूप में एक्सेप्ट करोगे, कब मुझे अपनी, जब आप मुझे सेवक के रूप में एक्सेप्ट करोगे तो आप मुझे जो सैलरी दोगे वो क्या होगा, वो आपका प्रेम होगा। तो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि कब आप मुझे अपने दास के रूप में स्वीकार करोगे और मुझे सैलरी के रूप में आपका प्रेम प्राप्त होगा। तो प्रेम धन बिना व्यर्थ दारिद्र जीवन, हर्ष करी वेतन मोरे देह प्रेम धन। रसन रसन तार अवेश हाय ला वियोग पुराना, उद्वेग विषाद देने करे प्रलापना। यानी कब श्री कृष्ण के विरह महसूस होगा और उनके विरह में मैं रोऊंगा। मैं मतलब भगवान, जब तक अभी हमको विरह नहीं महसूस होता कृष्ण का, अभी तो हमको ऐसे लगता है कि कृष्ण है, सब जगह है, लेकिन कृष्ण है दो सब जगह है। जब प्रेम का जो हाईएस्ट लेवल रीच होगा तो जो भक्त है उसको कृष्ण ऐसा लगता है कृष्ण कब मिलेंगे, कृष्ण यहाँ नहीं है, विरह महसूस होगा। और विरह वो सेपरेशन में वो भक्त रोता है भगवान को पाने, भगवान को देखना चाहता है, भगवान को पाना चाहता है, तो वो विरह कब महसूस हो। तो हमारा जो गौड़िया परंपरा है इसमें विरह का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। क्यों? क्योंकि विरह में हम उसको ज्यादा याद करते हैं। जिसका विरह होता है हम उसको कॉन्स्टेंटली, चाहे हम घर में खाना बना रहे हो, झाड़ू कर रहे हो, पोछा कर रहे हो, ऑफिस में काम कर रहे हो, ड्राइविंग कर रहे हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, लेकिन जब हमें किसी का विरह होता है कॉन्स्टेंटली हम उस इंसान का विचार कर रहे हैं। तो इसीलिए विरह का इतना इम्पोर्टेंस है। जब हम कृष्ण के प्रति उस विरह को महसूस करेंगे तब हम कॉन्स्टेंटली उनके बारे में सोच रहे होंगे। नेक्स्ट श्लोका श्लोका है शिक्षाष्टक प्रेयर्स का। युगा इतम निमिषेना चक्षुषा प्रविशा इतम शून्य इतम जगत सर्व गोविंद विरहेण। तो इसमें विरह का इम्पोर्टेंस समझाया गया है कि हे गोविंद, कब, बिकॉज ऑफ योर, बिकॉज ऑफ सेपरेशन फ्रॉम यू, यानी आपके विरह में मुझे एक मोमेंट भी एक मिलेनियम जैसा लग रहा है, मैंने एक युग की तरह लग रहा है, एक एक पल एक युग की तरह लग रहा है। मेरे आंखों से अश्रु की धारा बह रही है और ये पूरा संसार, इतना बड़ा संसार, इतने सारे लोग भी मेरे लिए कोई मायने नहीं है, सब बेकार लग रहा है, सब कुछ बेवजह लग रहा है। मतलब इस संसार का, इस दुनिया का, इस दुनिया के ऐश्वर्य का कोई मतलब ही नहीं है, कुछ मीनिंग ही नहीं है, बिकॉज मुझे आपका विरह महसूस हो रहा है। और एक एक पल एक एक क्षण ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत ही एक युग बीत रहा हो। जब विरह होता है तब एक एक पल युग की तरह लगता है, जब मिलन होता है तो इतना मिलियनम भी ऐसा लगता है कि एक पल की तरह बीता है। जैसे कृष्ण और सब गोपियों का जब रास लीला हुआ था शरद पूर्णिमा में, तो वो समझ लीजिए कि वो 6 1 रात का हुआ था। इस संसार में दिखने को ऐसे लग रहा था कि एक रात, लेकिन वो एक रात नहीं था, वो 6 months तक वो एक रात चल रहा था। लेकिन जितनी भी गोपियां थी उनको लगा कि बस एक पल बीता है, उनको पता ही नहीं चला कि इतना लंबा समय तक वो श्री कृष्ण के साथ थी, उनका साथ उनको मिला था, लेकिन उनको ऐसे लगा कि बस एक पल ही बीता है। तो जब मिलन होता है तो वो समय एक पल का लगता है, लेकिन जब विरह होता है तब वो एक पल युगों के समान लगता है। तो इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि क्योंकि आपके सेपरेशन में मुझे कैसे लग रहा है, जैसे कि एक एक पल युगों के समान बीत रहा है और मेरे आंखों से जो अश्रु की धारा है वो रुक ही नहीं रही है, और ये पूरा संसार मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। तो इस तरह अलग अलग स्टेज ऑफ लव हम देख रहे हैं इस शिक्षा आश्रम की। इस शिक्षा में हमने अलग अलग स्टेजेस ऑफ लव देखा। हमने देखा कि हरि नाम ही सब कुछ है, हरि नाम में कोई बाधा नहीं है, हम किसी भी अवस्था में हरि नाम कर सकते हैं। और फिर हमें हरि नाम अच्छा हो उसके लिए वो 3 क्वालिटीज क्या है वो बताए गए। फिर हमें किस मूड में हरि नाम करना है वो बताया, जिससे कि हमारे अंदर श्री कृष्ण के लिए प्रेम जागे। और अब उस प्रेम का वो स्टेज है जिसमें भगवान से इतना विरह हो रहा है कि एक एक पल
युगों के समान लग रहे हैं। अश्रु की धारा लगातार बह रही है और ये पूरा संसार बेमतलब सा हो गया है। उद्वेग दिवसा ना हयाया शना हैला युगा समा वर्षना मेघा प्राय अश्रु वरीषे नयना। यानी ये दिन है कि खत्म ही नहीं हो रहा, एक एक पल युग के समान है और मेरे आंखों से आंसू की धार बहते जा रही है और ऐसे लग रहा है कि मेरे आंखों में रेनी सीजन, जैसे रेनी सीजन आ गया हो, बरसात का मौसम हो, ऐसे लगातार आंसू की धारा बह रही है। तो इसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु की आंखों से इसी तरह आंसू की धारा बहते रहती थी श्री कृष्ण के लिए और वो रुकता ही नहीं था। गोविंद विरह सुनिया हा इला त्रिभुवना तुषा नाले पौधे ये ना याया जीवना। यानी ये जो तीनों वर्ल्ड्स हैं, थ्री वर्ल्ड्स हैं, इसमें भगवान त्रिभुवन बोलते हैं, तो इसमें सब कुछ बेकार से लग रहा है, इसका कुछ मतलब ही नहीं है, सब कुछ वॉइड है। आपके विरह में ऐसे लग रहा है जैसे मैं अंदर से जल रहा हूँ। कृष्ण उदासीना हैला त्वरिते परीक्षण सखी सभा कहे कृष्ण करा उपेक्षण। यानी श्री कृष्ण जो है वो मेरी उपेक्षा कर रहे हैं, वो मेरे को देखकर भी मेरी तरफ नहीं देख रहे हैं। इसलिए बेटर टू डिसरिगार्डिंग, इसलिए उनकी तरफ मत ध्यान दो। तो ऐसे सखी उनको बोलते हैं, जैसे सखी राधा रानी को बोलती है कि तुम कृष्ण की तरफ ध्यान मत दो, लेकिन राधा रानी उनके विरह को इतना तेज महसूस करती है और कृष्ण है कि उन पे ध्यान नहीं दे रहे। तो एतेका चिंतेता राधा निर्मल हृदया स्वभाविका प्रेमरा स्वभाव करीला उदय। तो जब श्रीमती राधा रानी इस तरह सोचती थी तो उनके अंदर जो उनका जो हृदय उनमें श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और बढ़ जाता था। तो ये लास्ट स्टेज है कि हमें भक्ति कैसे करनी है, अब ये बताएंगे श्री चैतन्य महाप्रभु। तो ये जो मूड है राधा रानी का माइंड है ये कि वो एजिटेटेड है, वो अंदर से उनको अच्छा नहीं लग रहा है कि कृष्ण उन पर ध्यान ही नहीं दे रहे और वो उनके लिए इतना विरह महसूस करिए और कृष्ण है कि वो देख कर भी दे नहीं देख रहे। तो इसी तरह हमें भी भक्ति करनी है। तो ये लास्ट शिक्षा है चैतन्य महाप्रभु की, ये अल्टीमेट मतलब स्टेज पहुंच गया है। प्रेम का जो अल्टीमेट स्टेज होता है वो है लास्ट श्लोक में जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि कैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप उस प्रेम को पा सकते हैं। ये 8 शिक्षा अष्टक के 8 प्रेम में सब कुछ आ गया, हमारे जीवन का पूरा गोल उसे कैसे अचीव करना है वो भी बताया और वो जब अचीव हो जाएगा तब हमारा क्या स्टेज होगा। अश्लिष्या वा पादरतम कीना सुमम आदर्शनाम मर्म खत्म करो तु वा यथा तथा विद्धा तु लंपा तु मत प्राणा तु साय वा ना परा। यानी कृष्ण अगर हमें एम्ब्रेस भी करें, हमें अपने गले से भी लगा ले, या कृष्ण हमें अपने पैरों के नीचे रौंद दे, हमें हमारा दिल तोड़ दे, हमारी तरफ ध्यान ना दे, हमारे हमसे बात भी ना करे, तब भी कृष्ण ही मेरे भगवान और मेरा हृदय सिर्फ कृष्ण के लिए। तो ये है राधा रानी का भाव कि राधा रानी कृष्ण और राधा रानी को छोड़ के चले गए, मथुरा चले गए, द्वारका चले गए, कभी लौट के भी नहीं आए। तो अश्लीषिया वा पादरतम की नस्तु माम आदर्शनम, चाहे कृष्ण मुझे दर्शन ना दे, चाहे कृष्ण मुझे मेरे सामने हो और वो किसी और के साथ हो, चाहे कृष्ण मुझे अपने गले से लगाए, चाहे कृष्ण मुझे अपने पैरों के नीचे रौंद दे, तब भी वो उनकी इच्छा है, वो मेरे साथ जो चाहे करे, उनकी इच्छा है, वो मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वही मेरे भगवान है, वही मेरे वर्शिपेबल लॉर्ड है। तो इस तरह ये जो लास्ट श्लोक है ये एक्चुअली में मुझे भी बहुत पसंद है कि ये हमें बताता है कि प्रेम क्या होता है। प्रेम वो नहीं होता जो इस संसार में लोग करते हैं। प्रेम का मतलब ये नहीं होता कि हम सामने वाले से एक्सपेक्ट करें कि वो भी हमारे साथ वैसा ही करे जैसा हम उसके साथ करें। प्रेम का भाव ऐसा है कि सामने वाला हमसे प्रेम करे ना करे, वो हम पर ध्यान दे, वो हमारा दिल तोड़े, वो हमारे साथ हमारे सामने किसी और के साथ रहे, तब भी हम उससे प्रेम करेंगे। तो हमारा ये प्रेम श्री कृष्ण के प्रति ऐसा होना है, राधा रानी वाले इस भाव में होना है। तो ये है अल्टीमेट गोल, ये इस गोल को हमें अचीव करना है।
असली शिवा पाद रक्तम, यानी भगवान आप हमें ध्यान दो ना दो, आप हमें गले से लगाओ या हमें अपने पैरों के नीचे रौंद दो, या हमें बिल्कुल पूछो ही नहीं, तब भी आप ही हमारे भगवान रहोगे, तब भी आप ही हमारे कृष्ण रहोगे। और ये भावना हमारे लिए सिर्फ कृष्ण के लिए ही होनी चाहिए, इस संसार के लिए नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह आज हमने शिक्षा सप्तम के 8 प्रेयर्स में पूरा भगवान के ये जो हमारा गोल है उसको जान लिया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रेयर थे, इसलिए मैंने इसको सबसे पहले लिया है। इसके बाद हम चैतन्य लीला स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग को कुछ डाउट हुआ है, ठीक से मैं समझा नहीं पाई तो आप लोग पूछ सकते हैं, थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया है। एनी डाउट, आप कुछ पूछना है? ओके फिर हम इस क्लास को अभी यहाँ एंड करते हैं। वांछा कर्तृभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः वच पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। और हरे भैया हरे कृष्ण कृष्ण, माता हरे जी, दंडवत कृष्ण, हरे कृष्ण दंडवत जी, प्रणाम, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम, दंडवत।